हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बनाऊंगी बटर स्कॉच का। ये मुझे दिवाली पे ऑर्डर आया था हाफ के जी का, तो यहाँ पे मैंने बटर स्कॉच का नहीं, ये रसमलाई का है। गलत बोल दिया, सॉरी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए कि मैं बहुत गलती करती हूँ, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से क्रम कोटिंग करके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में हमें रखना चाहिए 5 या 10 मिनट के लिए। और मैंने यहाँ से फ्रिज से निकाल के यहाँ पे मैंने क्रीम डाल दिया। आप अगर बिगिनर है तो आप पाइपिंग बैग से कीजिएगा। अगर आपको पाइपिंग बैग से कैसे करना है आपको पता नहीं है तो मेरे आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आइसिंग करके स्क्रैपर घुमा दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। यहाँ पे देखिए, मैंने स्टार नोजल लगा के ये वाला फ्लावर बना दिया है। हाफ के जी का था तो ये, और मैंने बोंडेंट, जब मैं बोंडेंट बनाया तो मैंने आप लोगों को वीडियो नहीं दिखाया, और मैंने वाइट बोंडेंट लेके उसमें कलर डाल के मैंने ये वाला दिया बना दिया है बोंडेंट से। कैसे लगा आप सबको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया हैप्पी दिवाली, क्योंकि जब मैं ये लिखती हूँ तो मेरा हाथ बहुत हिलता है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया हैप्पी दिवाली। और जो मेरा पास था स्प्रिंकल, और मैंने स्प्रिंकल ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर दिया। मैं वहाँ पे ये जेल में डालना चाहता था दिया के अंदर, लेकिन मैंने डाला नहीं। और फिर यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल कर दिया। अगर मुझसे यहाँ ये वीडियो में मुझे अगर कोई गलती हुआ है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा मैंने क्या गलती किया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट केक के साथ। आप सभी को जय मसीह, बाय।